सांसदाई नुम सक्सुताया आंगे रंग पाटिया रेसिपी चैनल ना आप सभी को स्वागत है रंग पाटिया रेसिपी चैनल में। दाल दे केक थाई ना मिया मार्बल केक थाई ना मिया मार्बल कप केक या खोबांगा बटर ची ग्रीस काई रहा हा थो ची बा थाई नागता माने ग्रीस खाना था माने निबांगा यानो बटर को जाखलिंगा बटर ची ग्रीस का हा या फेन गुमकोन आज हम मार्बल बटर केक बनाएंगे और ये कपकेक मोल को भी हमने बटर से ग्रीस किया है। अभी इसमें लाइनर देगा लाइनर बिछा देगा। केक बनाने के बाद करने से अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पहले ही सब सेट करना चाहिए लाइनर सब। केक थाली ना सिखांगन या को थाली ना बनाना गरे मंद का केक थाली मार्बल कपकेक कैसे हम मार्बल केक बनाएंगे आप लोग भी देखो। सिंपल सा बनाएंगे, ये हो गया है। अभी बैटर बनाना शुरू करेंगे। पहले हम बटर और शुगर को मिक्स बीट करेगा। बटर 100 ग्राम लिया है और शुगर 90 ग्राम, इसको एक साथ बीट करेगा। इसको हम बीटर भी ख़राब हो गया है, इसलिए हैंड बीटर से इसको मिक्स करेगा। अच्छे से क्रीमी फॉर्म में इसको मिक्स करेगा। इलेक्ट्रिक बीटर दूंग जो भाई या नकपची थारी नागता मने थारी वो ये क्रीमी हो गया है। देखो कलर भी चेंज हो गया है। अभी इसमें हम अंडा डालेगा। एक चो दो चू खाली अंडा डालेगा, एक एक चो अभी डालेगा। एक के बाद एक देगा अंडा। ये हो चुका है अंडा भी। अभी हम ड्राई इंग्रेडिएंट रेडी करेगा। ये छान चुका है मैदा 2 कप। इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, इसको मिक्स करेगा। तो अच्छे से मिक्स करना है। अभी इसको हैंड बीटर नहीं लगेगा, चम्मच से मिक्स करेगा। अभी फ्लोर को थोड़ा थोड़ा देगा, थोड़ा थोड़ा मिक्स करेगा। उफ लाइट के लिए पुकार रहा है। दूध थोड़ा सा देगा। सब डालेगा अभी मुकोस कटा के ना, और जो ये दूध थोड़ा बचा है उसको भी डालेगा। अभी मार्बल के लिए हम रेडी करेगा कोका पाउडर 1 टीस्पून लेगा और उसके बाद मिल्क से इसको मिक्स करेगा। पहले मिक्स करेगा। ओह लाइट के लिए पुकार रहा है। हम इसको पाइपिंग बैग में भर देगा, डालने में आसानी होगा पाइपिंग बैग में डालने से। ये हो जाएगा। अभी हम ये बटर मिक्स जो बैटर हमने बनाया था इसको मिक्स करेगा इसमें कोकोआ में। उफ कोकोआ ज़्यादा है, लाइट के लिए बारिश आएगा ना क्या।
इसमें हम आज बेनी कोई कुछ भी एसेंस नहीं डालेगा, खाली बटर फ्लेवर देगा, इसलिए नहीं डाला है एसेंस, खाली बटर फ्लेवर देगा इसमें। हो चुका है, ये रेडी कर लिया है, इसमें बैटर देगा। स्वाइट से कवर करेगा, हो गया है। अभी इसको ओवन में डालेगा, अच्छा होगा कि नहीं बाद में देखेगा। 20 मिनट के लिए ओवन में रखेगा, 150 डिग्री में इसको बेक कर रहा है। चुका है, अभी इसको ठंडा करने के बाद हम इसको दिखाएगा अंदर में कैसा बना है। जो वेनिला एसेंस के कुछ भी एसेंस नहीं डाला है हम, इसमें खाली बटर फ्लेवर पत्थर का ही स्मेल आएगा। इसमें अच्छे से फूला है केक को, कप केक। इसको ठंडा होने के बाद हम इसको अभी ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। कैसा बना है हम इसको थोड़ के दिखाएगा, खुल के वाओ अंदर का टेक्सचर देखो, ये एकदम स्पंजी बना है। गिर गया कपकेक, टेस्ट करके देखिएगा। एसेंस नहीं होने से भी एकदम अच्छा है, टेस्टी है। बना के देखो बिना एसेंस का, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आया है, बटर का अच्छा है। हम इसको अभी कट के दिखाएगा, वाओ तुम स्पॉन्जी बना है। और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, आपको मैं बता नहीं सकता, आप लोग बना के खाओ बिना वेनिला एसेंस का बटर फ्लेवर देने के लिए। ये बना के खाओ बहुत अच्छा है, प्लीट हुआ हा बटर नहीं मतमा सेंस नंग जा है ना लोंगेंट हुआ हा या कप केक। छुनस गया, वीडियो भी खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।